Subscribe and press the bell icon for latest update. पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में कम्युनिस्टों के शासन में विकास ठीक उसी तरह रुक गया है जैसे लाल बत्ती पर यातायात रुक जाता है। उन्होंने कहा, राज्य तभी तरक्की करेगा जब लाल कम्युनिस्ट को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। यहां और दक्षिण त्रिपुरा जिले के शांति बाजार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, सत्तारूढ़ वाम दलों की लूट और ध्वंस पट्टी अब यूं ही नहीं चलेगी और राज्य में चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने कहा, आपको लाल बत्ती से पहले रुकना होता है। यदि आप हड़बड़ी में होते हैं तो भी आप आगे नहीं जा सकते। इसी प्रकार वाम मोर्चा के लाल झंडे ने त्रिपुरा में प्रगति को रोक रखा है। इसे बदलने और सुशासन लाने का वक्त आ गया है। नतीजे घोषित होने के बाद त्रिपुरा में वाम मोर्चा को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक आदर्श एवं वामपंथ साथ साथ नहीं चल सकते। त्रिपुरा में पत्रकार मारे जा रहे हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, कम्युनिस्ट सरकार मौन है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने पर उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक हत्याओं की जांच करेंगे और अपराधियों को सजा देंगे। 20 सितंबर को IPFT कार्यक्रम के कवरेज के दौरान एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। 21 नवंबर को त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की बटालियन मुख्यालय में एक पत्रकार को मार डाला था। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।